आज बनाएंगे एक ऐसा सलाद जिसे आप एज अ कंप्लीट मील लंच या तो डिनर में ले सकते हैं, और ये हाई प्रोटीन रिच सलाद होने की वजह से आपको लंबे समय तक फुल ऑफ रखेगा और जल्दी से भूख नहीं लगने देगा, जिससे आपको वेट लॉस में भी हेल्प मिलेगी। और ये सलाद जितना हेल्दी है उससे कई गुना ज्यादा टेस्टी भी है। तो स्वागत है आप सभी का हेल्दी बावर्ची में, जहाँ आपको मिलेगी स्वाद के साथ सेहत फ्री। सलाद के लिए पहले तो हम चिया सीड्स को भिगो देते हैं, क्योंकि चिया सीड्स जो है इसे भीगने में आधा घंटा लग जाएगा। तो 1 टीस्पून जितना चिया सीड्स ले लीजिए, इसमें हल्का गुनगुना गर्म पानी ऐड कर दीजिए और इसे आधे घंटे के लिए भीगने के लिए छोड़ दीजिए। और आज इस सलाद में प्रोटीन के लिए हम यूज़ करेंगे सोया चंक्स का, तो इसे हमें पहले बॉईल कर लेना है। तो इसके लिए एक पैन को गर्म कर लेंगे, इसमें पानी और नमक ऐड कर लीजिए। जैसे ही आपका पानी गर्म हो जाए तो इसमें सोया चंक्स को ऐड कर दीजिए। मैंने यहाँ पर 1/3 कप जितना सोया चंक्स लिया है, और ये जो मिनी सोया चंक्स होते हैं ना, वो है इसकी जगह आप जो बड़ी वाली सोया बड़ी होती है वो भी ले सकते हैं। और इसे हमें बहुत ज़्यादा देर तक कुक नहीं करना है, बस इसे 5 से 7 मिनट आप कुक करेंगे ना, तब तक इसमें ऐसा एक बहुत अच्छा सा उबाल आ जाएगा और सोया चंक्स जो है वो फूल जाएंगे पूरी तरीके से। तब तक ही आप इसे कुक करना है। फिर इसको ढक्कन लगा दीजिए, गैस की फ्लेम को ऑफ कर दीजिए और कुछ देर इसे ऐसे ही रख दीजिए, और फिर इसको ठंडा कर लीजिए। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए तो इसको छन्नी की हेल्प से इस तरीके से छान लीजिए और इसका पानी निकाल दीजिए। फिर हाथों से निचोड़ कर इसका पूरा पानी जो है उसको आपको निकाल देना है। फ्रेंड्स, सोया चंक्स जो है ना, इसमें प्रोटीन काफ़ी हाई होता है, फैट बिल्कुल ना के बराबर होता है, जिससे ये आपको वेट लॉस में हेल्प करता है। और स्पेशली वेजिटेरियन लोगों के लिए तो ये बेस्ट है। एक तो ये सस्ता है, 100 से 150 रुपये में आपको पूरा किलो मिल जाएगा, और अगर आप हर रोज 100 ग्राम सोया चंक्स खाते हैं तो इसमें से करीब आपको 50 ग्राम जितना प्रोटीन भी मिलता है, जो आपको डेली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को कम्प्लीट करने में भी हेल्प करेगा। तो इस तरीके से सारे जो सोया चंक्स है उसका पानी आपको निकाल देना है। और अब सलाद बनाने के लिए एक बाउल ले लेंगे, इसमें 1/2 कप जितना लो फैट वाला दही लेंगे। दही में पानी बहुत कम होना चाहिए, जितना हो सके ठीक दही का यूज करें, जिससे सलाद जो है वो अच्छा बनेगा। और फिर दही को आपको फोक या तो विस्कर की हेल्प से इस तरीके से फैट लेना है और स्मूथ बना देना है। अब इसमें हमने जो चिया सीड्स भिगो के रखे थे उसको ऐड कर लेंगे। कुछ मसाले ऐड करेंगे, 1 टीस्पून जितना भुने हुए जीरे का पाउडर ऐड कर दीजिए, स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और 1 टीस्पून जितना इसमें चाट मसाला ऐड करें, और 1 टेबलस्पून जितना हनी ऐड करेंगे इसमें। और फिर हमने जो सोया चंक्स बॉईल करके रखे थे उसको भी इसमें ऐड कर लेंगे। और सलाद के लिए आप जो भी वेजिटेबल्स ऐड करना चाहते हैं वो सारे वेजिटेबल्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कद्दूकस किया हुआ गाजर लिया है, ककड़ी और प्याज को बारीक काट के ऐड किया है, और अभी आम का सीजन चल रहा है तो कद्दूकस किया हुआ थोड़ा सा कच्चा आम भी मैंने यहाँ पर ऐड किया है, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर बीटरूट भी कद्दूकस करके ऐड किया है। और इसे स्पाइसी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 हरी मिर्च को बारीक काट के ऐड किया है, और अब लास्ट में हरा धनिया ऐड कर देंगे। और इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इस सलाद को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए हम एक तड़का रेडी करेंगे। तो इसके लिए आप एक बर्तन को गरम कर लीजिए और इसमें 1 टीस्पून जितना आपको ऑयल लेना है, कोई भी कुकिंग ऑयल ले लीजिए। इसमें राई के दाने 1/2 टीस्पून जितना, 1/2 टीस्पून जितना जीरा ऐड कर दीजिए, एक सूखी हुई लाल मिर्च का टुकड़ा ऐड करेंगे, और चुटकी भर इसमें हींग ऐड करेंगे, और 1 से 1.5 टेबल स्पून जितना यहाँ पर पीनट को ऐड कर दीजिए और इसे अच्छे से रोस्ट कर लीजिए। तो ये आपका तड़का रेडी है, जिसको सलाद के ऊपर हम ऐड कर देंगे। और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, इसे सर्विंग प्लेट में ले लीजिए, ऊपर से और थोड़ा हरा धनिया से इसे गार्निश कर सकते हैं आप। फ्रेंड्स, ये सलाद इतना टेस्टी बनता है कि आप इसे एज अ कम्प्लीट मील लंच या डिनर में तो ले ही सकते हैं, इसे आप इवन पोस्ट वर्कआउट मील भी ले सकते हैं। और ये जो प्रोटीन है ना, ये ना सिर्फ आपको वेट लॉस में हेल्प करेगा, बल्कि इससे आपकी स्किन टाइट बनेगी, आपके हेयर और नेल जो है वो भी स्ट्रांग बनेंगे। तो आप इस सलाद की रेसिपीज को ज़रूर ट्राई करना, और ये आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और ऐसे ही हेल्दी रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।